बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 24। एक्सरसाइज नंबर 24 आप लोग अपनी बुक्स पे निकाल लीजिए और साथ साथ ये चीज़ें नोट करें जो मैंने यहाँ पर लिख के दी हैं। एक्सरसाइज नंबर 24 का पहला है, ही रिफ्यूज़ दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जहाँ यूजली रिफ्यूज़ लगाते हैं वो वहाँ आपने डिनाई लगाना होता है, और जहाँ डिनाई लगाते हैं वहाँ क्या लगाना होता है? रिफ्यूज़ लगाना होता है। वेरी गुड। तो ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, लेकिन डिनाई का मतलब होता है किसी इल्ज़ाम को मुस्तरद करना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी पेशकश को मुस्तरद करना। शाबाश। तो ही रिफ्यूज़ दैट ही हैड टोल्ड अ लाई, उसने मुस्तरद कर दी ये बात कि उसने झूठ बोला था। ये इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहा है, मुझे हैंड रेज करके बताना, इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहा है या वो जो है किसी बात को, किसी पेशकश को मुस्तरद कर रहा है, कौन बताएगा? चले इसको आप बताएं। पेशकश को मुस्तरद कर रहा है, गलत। पेशकश, कौन सी पेशकश हो रही है उसको? आयशा, इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहा है। देखिए, उसको कोई पेशकश थोड़ी हो रही है, कोई उसे लंच पे थोड़ी बुला रहा है, कोई शादी पे, कोई डिनर पे थोड़ी बुला रहा है, उसे ये थोड़ी कह रहा है मुझसे शादी कर लो। कोई प्रपोजल है? है कोई प्रपोजल इस पे? वो झूठ उसे कह रहे हैं कि झूठ बोला है तुमने, तो वो कहता है नहीं, झूठ मैंने नहीं बोला। उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसको वो मुस्तरद कर रहा है। जब कोई इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है तो उसको डिनाई करना कहते हैं, और यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो रिफ्यूज्ड की जगह आप डिनाई की सेकंड फॉर्म डिनाइड लगा दें। ठीक हो गया, सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखें, बीमार होना या बुखार होना, बुखार में मुब्तला होना की इंग्लिश होती है इल, इन फीवर। ठीक है, इस फॉर्म की जगह आप इन कर देंगे। बुखार में मुब्तला होना और बुखार की वजह से बीमार होने की इंग्लिश होती है इल, इन फीवर। फ्रॉम की जगह आप इन कर देंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। लेस्ट का रूल भी कई दफ़ा आ चुका है, आप में से किसी को याद है? लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? बहुत दफ़ा आ चुका है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, लेकिन शुड नॉट की ऑप्शन नहीं लगानी। लेस्ट के साथ जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए उसमें हमेशा आप शुड लगाएंगे, लेकिन शुड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्या कोई बता सकता है? लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के। अब इसमें आप देखें, ये ना का वर्ड आ गया, इसलिए इसमें नॉट नहीं आता। जिस जुमले में लेस्ट लगाओ उसमें नॉट इसलिए नहीं आता क्योंकि लेस्ट के अंदर खुद नहीं का मीनिंग मौजूद होता है। इसलिए एक सेंटेंस में आप डबल नेगेटिव्स नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा नॉट आएगा, और यहाँ पर लेस्ट लफ्ज की शक्ल में चूँकि नॉट आ चुका होता है, इसलिए आपने नॉट लेस्ट वाले जुमले में नहीं लगाना। और क्या लगाना है? सिर्फ दोबारा से बताएं, लेस्ट वाले जुमले में क्या लगाना है? वेरी गुड, लेस्ट वाले जुमले में आपने शुड लगाना है और नॉट नहीं लगाना। ये तो बहुत दफ़ा आ चुका है, ये कौन बताएगा? ये भी बहुत दफ़ा आ चुका है, पिछली जो एक्सरसाइजेज हमने की थी उसमें भी था, सीनियर जूनियर इन्फीरियर वाला मैंने आपको कराया था, कौन बताएगा? किसी को याद नहीं है? मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स आई ओ आर से ख़त्म, डिप पे ख़त्म होते हैं, सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर, ये चारों वर्ड्स के बाद उसने आपको देन लगा के दिया होगा। उस देन को काट के आपने टू लगाना है, उस देन को काट के आपने टू लगाना है, सीनियर जूनियर सुपीरियर और इन्फीरियर। ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पे आई ओ आर आता है, और आपको उसमें जुमले में आपको उसमें देन लगा के देखते हैं करेक्शन में, और आपने उसकी जगह टू लगाना होता है। और ये छोटी छोटी बातें बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं, स्टूडेंट्स इनको याद रखें, और ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज ये वाली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।